मेरा नाम है एनएस मंडल, मैं ईआरपीसी का मेंबर सेक्रेटरी हूँ। मैं एक्चुअली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चीफ इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ पे जो फील्ड में मेंबर सेक्रेटरी टीम बनाया गया है फ्रॉम सीए चीफ इंजीनियर लेवल पे कि पूरे इंडिया में जो जो कोल कंपनीज़ है वहाँ पे कोयला का भी स्थिति कैसा है, तो हम लोग मानसून प्रिपरेशन हमारा कैसा है, इस मकसद पे से मेरे को सौंपा गया था कि एमसीएल विजिट करने के लिए। कोयला का स्टॉक माइन एंड पे भी है और साइडिंग में भी कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे लोडिंग हो रहा है उस हिसाब से कोयला साइडिंग में आ रहा है और लोड हो रहा है। तो इनके लोडिंग के साथ एक चीज़ लगा कि पोटेंशियल है और भी बढ़ाने का, लोडिंग और भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी जैसे जानते हैं कि ना इंडिया में रेल का इस समय में थोड़ा सा बाकी जगह पे इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे अदर इंडस्ट्रीज़ में, तो उसका जब थोड़ा सा इस्तेमाल मतलब उसका सैचुरेशन हो जाएगा तो होपफुली कि कोल सेक्टर में और भी ज़्यादा रेक उपलब्ध किया जा सकेगा। कंट्री में हर एक ऐसा नहीं कि सिर्फ कोयला ही ट्रांसपोर्ट करना है, बाकी भी तो कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो ये सारे गवर्नमेंट का है, ऐसा नहीं है कि ये इवैक्यूएट नहीं होगा। अभी दो चार दिन रुकिए, अब देखिए धीरे धीरे रेक्स का बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ रेक्स बढ़ेगा, जगह में दो रेक, किसी जगह में एक रेक, ऐसा ऐसा डेली बेसिस पे बढ़ा सकते हैं। तो वो अगर सब साइडिंग में बढ़ जाएगा तो अनदर 15-16 रेक अगर बढ़ जाता है पर डे तो हो सकता है।